नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बाइबल के विषय में। बाइबल कहने मात्र को पवित्र पुस्तक है, पर ऐसा नहीं है। भरपूर अपवित्रता भरी पड़ी है इस पुस्तक में। लाखों करोड़ों जानवरों को मारना, उनके मांस को यहोवा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना, क्या ये उत्तम कर्म हो सकता? नहीं नहीं, ऐसा कर्म कभी उत्तम नहीं हो सकता। आप स्वयं देखिए, आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत है। पुराना नियम राजा प्रथम अध्याय नंबर 8 वचन नंबर 61 से प्रारंभ है। सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। सो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज की नहीं उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। तब राजा सारे इज़राइल समेत यहोवा के सम्मुख मेल बलि चढ़ाने लगा, और जो पशु सुलेमान ने मेल बलि करके चढ़ाए वो यहोवा को चढ़ाए वो 122,000 बेल। क्या हजारों बेलों को मारना एक तरीके से संसार का दुराचार करना नहीं है? इन स्वार्थी पाखंडी धूर्त लोगों ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो पशु कहे जाते हैं उनको ही तोड़ डाला। भला किसान खेती करते तो लाखों करोड़ों बेलों की कई अन्न पैदा कर सकते थे, उनसे कई उपकार प्राप्त कर सकते थे, पर इनको उपकार से क्या लेना देना? ये तो स्वार्थी है, इनको स्वार्थ से फुर्सत ही नहीं है। और 120,000 भेड़ें थी, बेचारी भेड़ें, छी 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 छी, सर्वनिहा आती इन स्वार्थियों को। इस रीति राजा ने सब इसराइलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा किए। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच में एक स्थान पवित्र करके होम बलि, अन्न बलि और मेल बलियों की चर्बी वही चढ़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी सो उनके लिए छोटी थी। ऐसे ऐसे दुराचार काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम स्वार्थी पाखंडी लोग ऐसे ऐसे काम करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लाखों जीवों को मार देते हो, वो भी निर्दोष। और सुलेमान ने और उसके संग सारे इज़राइल की एक बड़ी सभा ने, जो हमात की घाटी से ले मिस्र के नाले तक के सारे देश से इकट्ठी हुई थी, 2 अठवारे अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। 8वें दिन उसने के लोगों को विदा किया और वे राजा को धन्य धन्य कहकर, ऐसे ऐसे काम करते हैं हे परमपिता परमेश्वर, इनको सद्बुद्धि दो। और आप इसी का वचन नंबर 5 देखिए। और राजा सुलेमान और सारी इजरायली मंडली जो उसके पास इकट्ठी हुई थी, वे सब संदूक के सामने इतनी भेड़ और बेल बलि कर रहे थे, इन अनंत जो गिन नहीं जा सकते लाखों करोड़ों बेल है, इनको मार के संसार का कितना अनुपकार किया इन्होंने, धज्जियां उड़ा दी हैं। यही अगर बेल खेती के काम आते तो लाखों करोड़ों क्विंटल अन्न पैदा हो सकता था, पर ये अन्न कहाँ से पैदा करे? बेलों को तो इन्होंने मार दिया, अब ये मांसाहार पर निर्भर हो गए हैं।